तो हम पढ़ लेते कि इनिशियल सिटिंग टाइम और फाइनल सिटिंग टाइम। इनिशियल सिटिंग टाइम क्या है कि द टाइम एट विच मटेरियल्स डेवलप द प्रॉपर्टीज ऑफ वीक सॉलिड। जारी बात है, हम जो मिक्सर बनाया हुआ था वो तो लिक्विड था, सो अगर वो मटेरियल जो है वो इसमें वीक सॉलिड की प्रॉपर्टीज आ जाए उसको हम उस टाइम को हम कहते हैं कि इनिशियल सिटिंग टाइम। इसकी डिफिनेशन प्रॉपर ये है कि द टाइम एट विच द मटेरियल डेवलप इनिशियल सिटिंग टाइम। जिस टाइम पे मटेरियल में डेवलप प्रॉपर्टीज ऑफ डेवलप वीक सॉलिड प्रॉपर्टीज, जो एक वीक सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो है वो आ जाए उसमें। और दूसरी बात ये कि वो रेडिली फ्लो ना कर सके, जैसे वो पहले फ्लो हो रहा था वो फ्लूडी ना रहे, ठीक है, इसको हम कहते हैं इनिशियल सिटिंग टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्टी में जरूर पूछते हैं और वर्वा में अगर जेप्सन पे आए तो दे सकते हैं, लेकिन ऑस्टी में पूछ सकते हैं, ठीक है, बेसिको में भी पूछ सकते हैं। फाइनल सिटिंग टाइम क्या है कि द टाइम टेकन बाय मटेरियल टू बी स्ट्रांग इनफ टू बी वर्क अपॉन। मतलब इनिशियल सिटिंग टाइम वो है कि जितने टाइम में एक मटेरियल वीक सॉलिड प्रॉपर्टीज अचीव कर सके, लेकिन इस पे तो काम नहीं हो सकता क्योंकि वीक सॉलिड है। अब जो दूसरा टाइम पीरियड है कि ये मटेरियल जो सॉलिड वीक से जाएगा फुल स्ट्रांग मटेरियल में, कि ये इनफ स्ट्रांग हो जाए कि जिसमें हम वर्क कर सके, वर्केबल बन जाए, उसको हम कहते हैं फाइनल सिटिंग टाइम। डेफिनेशन क्या है कि द टाइम टेकन बाय मटेरियल टू बी स्ट्रांग इनफ टू बी वर्क अपॉन इट, कि इतना स्ट्रांग हो जाए मटेरियल तो उस पर हम काम कर सके, वो कितना टाइम लेते हैं, उस टाइम को हम कहते हैं फाइनल सिटिंग टाइम। उसके बाद जो है कि सिटिंग टाइम जो है वो कौन इफेक्ट करता है, ये तो हमने सिटिंग टाइम पढ़ लिए, या सिटिंग प्रोसेस सिटिंग टाइम जो है वो कौन इफेक्ट कर रहे, कौन से जो है ऐसे फैक्टर्स है, फैक्टर्स इफेक्टिंग सिटिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ जिप्सम। तो सबसे पहले जो है हमारे पास है वो प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट, पहले बता दिया कि एनहाइड्रेट किसे बनते हैं, अगर हम जिप्सम की ओवर हीटिंग करें तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस की वजह से हो सकते हैं। दूसरा जो है इस, अच्छा ये किसे इफेक्ट करते हैं कि एनहाइड्रेट जो है ये रिएक्ट करता है पानी के साथ वेरी रेपिडली, प्रोड्यूस करता है, मतलब सिटिंग टाइम को ये बहुत ज्यादा सेडेट करा देता है, तो हमारे पास जो है मैनिपुलेशन वो डिफिकल्ट हो जाती है। क्या होता है, एनहाइड्रेट जो है ये रिएक्ट करता है विद वाटर सो रेपिडली, बहुत तेजी से, इसका रिजल्ट क्या निकलते हैं कि इट विल एक्सीलरेट या इंक्रीज द सिटिंग टाइम। अब ये सिटिंग टाइम को इतना इंक्रीज करेगा कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि हमारी इसकी मैनिपुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरह इसकी सिटिंग टाइम को इफेक्ट कर रहा है कि ये एनहाइड्रेट जो है ये रिपीटली रिएक्ट करते हैं विद वाटर, इससे क्या होगा कि सिटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सिटिंग टाइम के इंक्रीज होने से हमारे पास क्या होगा कि इसकी मैनिपुलेशन, इसको अलहदा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये एनहाइड्रेट जो है ये मॉइस्चर भी, ये तो एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, नमी को हवा से एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ये जो है कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टिव एनहाइड्रेट में। ये फर्स्ट फैक्टर था कि प्रिंस ऑफ एनहाइड्रेट दो तरीकों से इसको इफेक्ट कर रहा है, पहले वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से वो एक रिएक्टिव एनहाइड्रेट बना देता है, दूसरा वाटर के साथ रिएक्ट करके वो सिटिंग टाइम को इंक्रीज करा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है मैनिपुलेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं, मुश्किल हो जाता है हमारे लिए इसको अलहदा करना। दूसरा फैक्टर जो है वो हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ अनकन्वर्टेड जिप्सम प्रोडक्ट, अनकन्वर्टेड या अनकन्वर्टेड डाइहाइड्रेट, क्योंकि डाइहाइड्रेट को हम किस चीज में कन्वर्ट कर रहे थे,
हिमिहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि डेंटिस्ट्री में जो जिप्सम प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो बेस्ड होते हैं हिमिहाइड्रेट पे, ठीक है। तो अनकन्वर्टेड डाइहाइड्रेट जो है उसकी प्रेजेंस जो है वो इसको इफेक्ट करता है। और तीसरी बात ये एज ऑफ मटीरियल, मटीरियल कब बना हुआ है, कितना टाइम हुआ है, ये चीज भी इफेक्ट करती है सीटिंग करेक्टरिस्टिक को। और चौथा जो है हमारे पास है वो स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन कैसे, जैसे अभी बताया कि अगर हम इसको स्टोरेज करें और इसमें इनहाइड्रेट अगर प्रेजेंट है तो वो मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब कराता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि फिर हमारे लिए वो एक रिक्ट हिमिहाइड्रेट बना देता है जो हमारे काम का नहीं रहता। तो इसकी सीटिंग करेक्टरिस्टिक की, और ये ऑस्टियो बारे में बहुत पूछते हैं, सीटिंग प्रोसेस पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या पढ़ लिया, सीटिंग प्रोसेस पढ़ लिया कि क्या होते हैं, उसके बाद हमने इसमें न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिहाज से, उसके बाद के इनिशियल सीटिंग टाइम और फाइनल सीटिंग टाइम की डिफिनेशन क्या है, और फैक्टर्स क्या है जो कि सीटिंग करेक्टरिस्टिक को इफेक्ट करते हैं। अब हमारे पास ये है कि हम जैसे हमने इनिशियल और फाइनल सीटिंग टाइम पढ़ लिया, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कंट्रोल को वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सीटिंग टाइम को कंट्रोल करते हैं। हेडिंग हम क्या देंगे, कंट्रोल ऑफ सीटिंग टाइम, कंट्रोलिंग फैक्टर या कंट्रोल फैक्टर ऑफ सेटिंग टाइम्स। पहले तो हमारे पास है कि चेंजिंग वाटर पाउडर रेशियो, वाटर पाउडर रेशियो चेंजिंग, क्या अगर हम वाटर पाउडर रेशियो को चेंज कर दें तो उसकी वजह से जो है सेटिंग टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो अगर हम वाटर को इंक्रीज कराएंगे या वाटर को डिक्रीज कराएंगे तो इसके इफेक्ट क्या होंगे। पहला ये होगा कि अगर हम वाटर को इंक्रीज कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि सीटिंग जो है वो रिटार्डेड हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, रिटार्डेड सीटिंग। दूसरा क्या हो जाएगा कि बबल्स इंक्लूजन आ जाएंगे मिक्सचर में। सारी बात है अगर हम किसी चीज में पानी ज्यादा करते हैं तो उसके ऊपर बुलबुले बन जाते हैं ऊपर सरफेस पे, इसलिए उस पर बबल इंक्लूजन और मिक्सर बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि मॉडल जो बनेगा वो इनएक्यूरेट होगा, हमें जो एक्यूरेसी चाहिए होती है वो मॉडल हमें नहीं देगा ये, अगर हम वाटर प्रोडक्ट को वाटर को हम अगर रेशियो ज्यादा करें तो वाटर रेशियो ज्यादा करने से तीन होंगे, सीटिंग रिटार्डेड होगी, बबल इंक्लूजन बनेंगे और मॉडल जो है वो इनएक्यूरेट बनेगा। अब अगर हम वाटर को कम करें तो क्या होगा कि सिटिंग टाइम जो हमारे पास है वो शॉर्टर हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया कि हम इसको मतलब डिफिकल्टी होगी इन मिक्सिंग और मैनिपुलेशन में। जारी बात है अगर सिटिंग टाइम शॉर्ट हो रहा है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम उसको सही से मिक्स कर सके या सही से मैनिपुलेट कर सके। तीसरा पॉइंट जो है फिर वही से मैं कि इनएक्यूरेट मॉडल आएगा। सो वाटर को सही लेवल पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके सिटिंग टाइम को सही रखने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो भी इसको रिजल्ट हमें इनएक्यूरेट मॉडल में मिलेगा, और अगर कम करेंगे तो भी रिजल्ट हमें इनएक्यूरेट मॉडल में मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास है स्पेचुलेशन। दूसरा फैक्टर कौन सा है, स्पेचुलेशन। तो रिपीट एंड प्रोलॉन्ग स्पेचुलेशन एक्सीलरेट सीटिंग्स एंड आल्सो इंक्रीज सीटिंग एक्सपेंशन। मतलब अगर हम रिपीटली स्पेचुलेट कर रहे हैं, स्पेचुलेशन करा रहे हैं जिप्सम प्रोडक्ट की, तो क्या होगा कि ये जो है रिपीट और प्रोलॉन्ग ज्यादा टाइम के लिए और तेजी के साथ अगर उस स्पेचुलेशन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा और इफेक्ट क्या पड़ेगा सिटिंग टाइम पे, कि सिटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, और सिटिंग एक्सपेंशन जो है वो भी इंक्रीज होगी। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है हमारे पास वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्या इफेक्ट है। तो ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा, इंक्रीज सेटिंग टाइम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि हम एक्सीलरेटर या जो है रिटार्डर यूज करते हैं। एक्सीलरेटर मतलब ये कि वो सीटिंग टाइम को एक्सीलरेट करेगा और रिटार्डर जो है वो सीटिंग टाइम को ऑब्वियसली डिक्रीज करेंगे। सो एक्सीलरेटर्स और रिटार्डर्स,
अगर हम इसे रिटार्डर यूज करेंगे तो इसका इफेक्ट ये होगा कि ये सिटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा, और रिटार्डर यूज करें तो वो सिटिंग टाइम को डिक्रीज करेगा। अब एक्सीलरेटर हमारे पास कौन से हैं? तो हमारे पास एक्सीलरेटर मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है वो हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट। ये बेसिकली पॉइंट है कि एक्सीलरेटर कौन सा है। तो पोटेशियम सल्फेट जो है वो कॉमनली यूज एक्सीलरेटर यूज होता है जो कि हीमोहाइड्रेट के सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कराता है। रिटार्डर कौन से यूज होते हैं? तो रिटार्डर हमारे पास है बोरेक्स, फॉडर, आइजिनेट, ब्लड, सलेवा। ये चार चीजें जो है ये सिटिंग टाइम को रिटार्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट, वो हमारे पास है इम्प्योरिटीज। अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी तो उसका सिटिंग टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली इम्प्योरिटीज अगर प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज बेसिकली क्या है? इम्प्योरिटीज न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन है। न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन से क्या होगा? वहां से ग्रोथ होगी। तो जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज है उसका ये मतलब है कि उतना ही ज्यादा वहां पे न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन है, और जितनी न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली ग्रोथ भी ज्यादा होगी। जब ग्रोथ ज्यादा होगी तो सिटिंग टाइम क्या होगा? शॉर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है फाइननेस, पार्टिकल साइज द फास्टेस्ट इज द डिसोल्यूशन एंड शॉर्टिंग सिटिंग टाइम। जारी बात है, अगर पार्टिकल जो है वो जितना फाइन है तो उतना उसकी डिसोल्यूशन जो है वो रेपिडली होगी, और सिटिंग टाइम जो है वो शॉर्ट होगा। बस यहां तक इसके जो सिटिंग टाइम के फैक्टर्स है कि वाटर पाउडर रेशो, सिचुएशन, टेम्परेचर, एक्सीलरेटर्स, रिटार्डर्स, इम्प्योरिटीज और फाइननेस। बेसिकली पॉइंट्स बता दिए कि एक्सीलरेटर्स कौन सी यूज हो रहे हैं, रिटार्डर्स कौन सी यूज हो रहे हैं, और इन सारों का इफेक्ट जो है वो किस सिटिंग टाइम पे क्या पड़ेगा, कि कौन सा फैक्टर जो है वो सिटिंग टाइम को इंक्रीज करा रहा है, कौन सा फैक्टर जो है वो सिटिंग टाइम को डिक्रीज करा रहा है। अब इसमें जो लास्ट चीज रह गई सिटिंग टाइम के लिए वो हमारे पास है इसके टेस्ट, कि सिटिंग टाइम के लिए कौन से टेस्ट यूज हो रहे हैं। Used for sitting time. तो बस इसके नाम याद रखो सिंपल, कि हमारे पास जो है एक हमारे पास विकेट पेनेट्रोमीटर टेस्ट यूज होते हैं, विकेट पेनेट्रोमीटर टेस्ट यूज होते हैं, और ग्लैमोर नीडल। नीडल टेस्ट यूज होते हैं। ये बस इसके नाम याद रखने इम्पोर्टेंट है कि इसके नाम याद होने चाहिए। दूसरी बात ये कि इसमें अब जो हमारे पास इसके एक टेबल दिया हुआ है बुक में, पेज नंबर टेबल नंबर 3.2 पेज नंबर 36 पे एक टेबल है जो एक दफा देख लें कि प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं कि इनिशियल सिटिंग टाइम किसके ज्यादा है, सिटिंग टाइम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 सबकी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है लास्ट टॉपिक जो इसका है वो हमारे पास इसके प्रॉपर्टीज है कि सिटिंग मटीरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहले हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी थी सिटिंग मटीरियल की, तो हम पढ़ रहे थे जिंटर कॉस्टिंग के लिए। अब हम इसके जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज, और फिर उसके बाद इसके एप्लीकेशन और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो अगर हम प्रॉपर्टीज से स्टार्ट कर ले कि ये प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास आएगी स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। पहली प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। जेसन जो है ये ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, और पोर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, और पार्टिकल जो पोरोसिटीज है वो बेसिकली स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि जिप्सम में हमने पढ़ा कि कोई मटेरियल पोरस है बिल्कुल जैसे डेंटल प्लास्टर है, तो एक मटेरियल डेंटल स्टोन जो है वो लेस पोरस है, या डेंटल डाई जो है वो लेस पोरस है। लेकिन स्ट्रेंथ और हार्डनेस की प्रॉपर्टीज क्या है कि जिप्सम जो हमारे पास है वो हमारे पास है ब्रिटल, कैन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हो सकता है, और पोरोसिटीज जो है वो बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर रही होती है।
ठीक है। उसके बाद डायमेंशनल एक्यूरेसी है। सो जो जिप्सम के प्रोडक्ट है उनकी डायमेंशनल एक्यूरेसी गुड होती है, मतलब इनफ होती है, सही होती है। सो इसकी गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है। और सॉल्युबिलिटी पे अगर हम आ जाए कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो जिप्सम जो है वो इतना सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। अगर पोरोसिटी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जैसे इन केस ऑफ डेंटल प्लास्टर के ग्रेटर पोरोसिटी है तो ग्रेटर सॉल्युबिलिटी है, पोरोसिटी डिक्रीज है तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज है। ये इन फॉर्म ऑफ डेंटल प्लास्टर और ये डेंटल स्टोन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास है रिप्रोडक्शन ऑफ डिटेल, कि हम जो इम्प्रेशन मटेरियल यूज कर रहे हैं वो हम इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं या डेंटल मॉडल डाई बना रहे हैं, तो उसका क्या होगा। सो चौथा पॉइंट हमारे पास है रिप्रोडक्शन ऑफ डिटेल, कि जो डिटेल हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, जो बनाना चाह रहे हैं, तो वो सही से बन भी रहे हैं इससे या नहीं। सो द इम्प्रेशन मटीरियल शुड बी कंपेटेबल विद द जिप्सम टू इम्प्रूव डेंटल प्रोडक्शन। द बेस्ट कंपेटिटर इज बिटवीन सिलिकॉन एंड पॉलिएस्टर्स ऑफ जिप्सम, मतलब जो चीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जिप्सम जो है, इम्प्रेशन मटीरियल जो है वो जिप्सम के साथ कंपेटेबल होने चाहिए, ताकि जो हम रिकॉर्ड लेना चाहते हैं वो सही से बने। और लास्ट फैक्टर इसको जो है वो है हमारे पास पोरिंग ऑफ द कॉस्ट। पोरिंग ऑफ द कॉस्ट के एनाटॉमिकल पार्ट जो है हार्ट और सॉफ्ट टिश्यू, वहां पे इम्प्रेशन पोरिंग के लिए हम वाइब्रेटर यूज करते हैं, जबकि और पोर्शन बेस पे, सॉरी बस इसमें पोरिंग कॉस्ट के लिए हम वाइब्रेटर यूज करते हैं अगर हमने किसी इम्प्रेशन को हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू पे पोर करना है। इसके बाद जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन के जिप्सम प्रोडक्ट जो है वो कहाँ यूज हो रहा है, या जिप्सम डेंटल स्टोन, डेंटल प्लास्टर और डेंटल डाई जो है वो कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ये पढ़ लेते हैं सिंपल, के डेंटल प्लास्टर जो है ये बेसिकली हम स्टेबलाइजिंग फ्रैक्चर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और डेंटल स्टोन जो मॉडल जो है वो हम डाई और इन चीजों के बनाने के लिए यूज करते हैं। लास्ट जो है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, के जिप्सम के एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। सो एडवांटेजेस इसके ये है कि हमारे पास इनएक्सपेंसिव है, इतना महंगा नहीं है, सस्ता आता है। इसके बाद इजी टू यूज, यूज करने के लिए बहुत आसानी है, कोई एक्सपीरियंस अब रिक्वायर्ड नहीं होती, और एक्यूरेसी इसके अच्छी है। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इजी टू यूज और गुड एक्यूरेसी, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा जो है डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी गुड होती है इसकी, अच्छी होती है, कि हम जो इम्प्रेशन देना चाहते हैं वो सही से बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि जिसे हमने पढ़ा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो जिप्सम इज ब्रिटल, फ्रैक्चर हो सकता है, इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। और जो सिटिंग टाइम जो है वो इसकी डिक्रीज हो जाती है अगर हम अल्जिनेट को सोडियम के साथ यूज करें, यूज्ड विद सोडियम, सॉरी यूज्ड विद जिप्सम, तो इसकी सिटिंग टाइम जो है वो रिटार्डेड हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। सो ये जिप्सम के एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस थे, कि इनएक्सपेंसिव है, यूज करने में आसानी है, एक्यूरेसी ठीक है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि ब्रिटल है, और अल्जिनेट जो अगर हम जिप्सम के साथ यूज करें तो सीटिंग टाइम जो है वो टार्डेड हो जाता है। सो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बेसिक यूज भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये देते हैं कि या तो जिप्सम डेंटल स्टोन की और डेंटल प्लास्टर की पिक्चर दे देंगे कि आइडेंटिफाई द मटीरियल, आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर पूछ लेंगे कि ये कौन से टाइप का है, टाइप पूछेंगे तो नीचे वो ये भी पूछ सकते हैं कि डेंटल कंपोजिशन लिखो, या ये पूछेंगे कि व्हाट इज कैल्सिनेशन प्रोसेस, के जो न्यूक्लियर के वाटर प्रेजेंट को हम जिप्सम प्रोडक्ट से निकालते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये होगा कि क्लासिफिकेशन लिख दो, कि जिप्सम प्रोडक्ट की टाइप्स लिख दो या जिप्सम प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन लिख दो, या इनिशियल सीटिंग टाइम, फाइनल सीटिंग टाइम पूछ सकते हैं, या फ्लूइडिटी और सीटिंग टाइम के लिए जो टेस्ट यूज हो रहे हैं वो पूछ लेंगे, और इसमें बाकी कुछ नहीं है, बस याद रखता
अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है पढ़ने में और अगर आपको ये चैप्टर जो है समझ आ गया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो काइंडली मेरा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो जिप्स डेंटल मटेरियल्स में आगे के जो चैप्टर होगा वो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर ना हुए हो तो आप पूछ सकते हैं, आप इनबॉक्स कर सकते हैं जो फेसबुक का पेज है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा सकूं।